ये है टाटा डॉट ईवी का शोरूम, जिसको टाटा एक्चुअली एक स्टोर एक्सपीरियंस कह रही है। और ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं इसका एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ। बेसिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्होंने इस स्टोर को डिज़ाइन किया है, सो दैट आपका जो ईवी बाइंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर हो सके। सो लेट्स बिगिन। तो एंटर करते ही सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे और साथ में ये बड़ी सी स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप अपनी ईवी को, टाटा डॉट ईवी को कॉन्फ़िगरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी ईवी लेनी है, और यहाँ पे अभी तीन मॉडल्स हैं और तीन मॉडल्स और आने वाले हैं जो मैंने अपकमिंग ईवीज वाली वीडियो में बता दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना चाहिए। यहाँ से जैसे हमने नेक्सॉन डॉट ईवी को सिलेक्ट कर लिया, ये हमने टॉप ऑफ द रेंज मॉडल चूज़ कर लिया जिसका एक शोरूम कीमत हमें यहाँ पे दिखा रही है। हमने उसको कन्फिगरेट करना शुरू किया। यहाँ पे हमें प्रॉपर जो है उसकी कन्फिगरेशन हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सा कलर चाहिए वगैरह वगैरह, सेव एंड एंड। और यहाँ से आपकी जो भी बाइंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और ईजी, डिजिटल और साथ में बेटर हो पाए इसीलिए। अच्छा, ईवी खरीदते समय काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि अगर मैं अपनी ईवी को लॉन्ग ट्रिप पर लेके जाऊँगा तो क्या वो चल भी पाएगी कि नहीं, या फिर मेरे को रेंज एंजाइटी होगी और मैं परेशान रहूँगा। तो यहाँ पे उस चीज़ का सॉल्यूशन भी आपको दिखाया गया है। तो इस बेसिकली स्क्रीन में आपको, आप प्लान कर सकते हो अपनी ट्रिप्स को जो यहाँ पर दिखाई गई है। बाई चांस अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ गुरुग्राम से कुरुक्षेत्र तक जाना है तो रास्ते में कितने सारे चार्जर्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेरे को दिख जाएगी। और इसको आप टाटा डॉट ईवी पावर ऐप से भी देख सकते हो। आगे बढ़ोगे तो ये आता है आपका डिस्प्ले एरिया, जहाँ पे आपकी कार्स डिस्प्ले पे खड़ी होगी और एग्जीक्यूटिव्स आपके साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। सीटिंग एरिया भी है जहाँ पे वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि सर आप एक ईवी ले लीजिए। इस स्टोर में ना बहुत ज़्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि चाहे आप इन वॉल्स की बात करो या फिर उस वुडन पैनल की बात करो या फिर इन चेयर्स की बात करो, सब कुछ मॉड्यूलर है। सो जस्ट इन केस अगर इनको थोड़े बहुत चेंजेस करने हों स्टोर के अंदर तो वो ईजिली किया जा सकता है। और जो ये पिलर्स हैं ये सब भी रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाए गए हैं और बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स और पौधे भी हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो भी कस्टमर यहाँ पे आएगा उसको फ्रेश एयर मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और है जो आप अप्रिशिएट करोगे, वो ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडोज़ का ग्लास का यूज़ किया गया है, तो नेचुरल लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है स्टोर के अंदर, तो उससे भी ना एक काफ़ी अच्छी कनेक्टेड टू नेचर वाली फीलिंग आती है, आपको यू नो शोरूम वाली फील नहीं आती है। यहाँ पे बहुत सारे कॉर्नर्स हैं, जैसे कि ये मर्चेंडाइज कॉर्नर है जहाँ पे आपको बहुत सारे मर्चेंडाइजेस दिखेंगे, आपको रीडिंग सेक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, और ये बैग है जो आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे टाटा डॉट ईवी कार को टेस्ट ड्राइव करके फीडबैक फॉर्म फिल करोगे, और इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। गुड। और ये बैग आपके काफ़ी काम भी आएगा। इट गेट्स अ नोटेबल फेसलिफ्ट। क्या आप लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा? ये आपकी फेवरेट मुग्धा मैम ने लिखा है ऑटोकार मैगजीन में। तो नए वाले दिसंबर 2023 वाले एडिशन में ये है। उसके बाद आता है ये सेक्शन जो बेसिकली रिसाइकल सेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है गिव वेस्ट अ सेकंड चांस, मतलब कि जो आपके लिए वेस्ट हो चुकी है चीज़ शायद उसको आप एक सेकंड चांस देखिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, गूंज एनजीओ से टाई अप किया गया है। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके यूज़ में नहीं है वो आप यहाँ लाके इन बिन्स में रख सकते हैं, और गूंज एनजीओ उनको लेके जाएगी, रिसाइकल करेगी और जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उन तक पहुँचाएगी। दैट्स अ नाइस स्टेप। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला कॉर्नर जहाँ पे बेसिकली आपके जो कलर्स हैं वो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको अपनी नई ईवी के लिए कौन सा कलर चाहिए। और द बेस्ट थिंग इज़ कि इन कलर्स को आप उठा के धूप में ले जाकर भी देख सकते हो कि सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में ये कैसे दिखेंगे। अब अगर आप इस सेक्शन में आ जाओगे तो ये आपका कैफेटेरिया सेक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो उस टीवी के साथ है आपकी टेस्टिमोनियल वॉल, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो अपनी टेस्टिमनी बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस टाटा डॉट ईवी प्रोडक्ट के साथ कैसा है। अब अगर आप स्टेयर केस से ऊपर आओगे तो ये है आपका कम्युनिटी सेक्शन, जहाँ पे बेसिकली जो ईवी कार ओनर्स की कम्युनिटी है वो चिल कर सकती है अपनी कॉफ़ी वगैरह लेके। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसको टाटा एक स्टोर एक्सपीरियंस कह रहा है रादर देन अ शोरूम एक्सपीरियंस। ईवीज टू बी 50% ऑफ टाटा सेल्स बाय 2030, ऐसा कहना है शैलेश चंद्रा जी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के। और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रिसर्च के हिसाब से उनको ये पता चला है कि जो ईवी बायर्स होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आइस इंजन कार बायर्स। तो
इस वजह से जो ये पूरे के पूरे स्टोर का एक्सपीरियंस है ना, वो उसी हिसाब से रखा गया है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बायर होता है, जैसे अगर आप एप्पल आईफोन खरीदते हो या फिर सैमसंग का कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो जो स्टोर एक्सपीरियंस आपको सैमसंग या एप्पल देने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे टाटा आपको देने की कोशिश कर रहा है अपने डॉट ई वी स्टोर्स में। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको ज़्यादा गाइडेंस नहीं दी जाएगी, ज़्यादा आपको कन्विंस वाला आई होप सो कि करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जैसे कि आप नॉर्मल शोरूम में जाते हो और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके पीछे पड़ जाता है और वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। इट्स काइंड ऑफ कि वो आप पे स्टिक हो जाता है ना, कि आपको छोड़ता नहीं जब तक आप या तो शोरूम से चले ना जाओ या कार बुक ना कर लो। यहाँ पे वैसा एक्सपीरियंस शायद होपफुली आपको नहीं मिलेगा। यहाँ मोर और लेस आपको बस गाइड करा जाएगा कि हाँ आप ये स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एक ईवी बायर होता है उसको मोर और लेस पता होता है कि उसको जो कार खरीदनी है वो कौन सी वाली खरीदनी है, क्या पावर होगा और क्या उसका टॉर्क होगा और क्या उसके बेनिफिट्स और कॉन्स हैं, विच बेसिकली मीन्स कि वो ज़्यादा अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड रहता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टाटा डॉट ई वी स्टोर्स के बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाना भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगले साल जो बहुत सारी ईवीज और नॉर्मल कार्स आने वाली हैं उन सब के रिव्यूज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हाँ, एक बात और, गुरुग्राम में दो स्टोर खुले हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे, सो दैट नॉर्मल पब्लिक वहाँ जाके विजिट कर सकती है और अपना एक्सपीरियंस ले सकती है। और सेकेंडली, अगले 12 से 18 महीने में इनका प्लान है कि ये पैन इंडिया में जो भी मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे ईवीज़ की सेल ज़्यादा है, वहाँ पे और ज़्यादा स्टोर्स खोलने की कोशिश करेंगे।